जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे हरियाली तीज वर्ष 2023 में कब है, स्वर्ण गौरी तृतीया का व्रत कब किया जाएगा, तो जानेंगे व्रत किस दिन धारण करना है, व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत पूजा महत्व के बारे में। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन इस दिन को हरियाली तीज और स्वर्ण गौरी तृतीया के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव, माता पार्वती, गौरी गणेश का पूजन किया जाता है। इस व्रत को खासकर स्त्रियां धारण करती हैं। इस व्रत को धारण करने से सौभाग्य अटल होता है। हरियाली तीज का व्रत जो कि भारत में बहुत से जगहों पर बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, इस दिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करके भगवान शिव माता पार्वती का जो कि तृतीया तिथि के दिन रात्रि निर्जला रह करके व्रत को धारण करती हैं और भगवान शिव माता पार्वती की प्रसन्नता के लिए व्रत को धारण करने से सौभाग्य अटल होता है, दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है, पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति होती है तथा भगवान शिव माता पार्वती की कृपा से सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। इस बार वर्ष 2023 श्रावण शुक्ल तृतीया तिथि प्रारंभ समय 18 अगस्त 2023 दिन शुक्रवार रात्रि 8:02 और तृतीया तिथि की समाप्ति होगी 19 अगस्त 2023 दिन शनिवार को रात्रि 10:20 पे। तो हमें सूर्योदय व्यापने के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है शुद्ध रूप से व्रत के लिए, वह समय 19 अगस्त 2023 दिन शनिवार को स्वर्ण गौरी तृतीया हरियाली तीज का व्रत धारण किया जाएगा। सभी इस दिन व्रत को धारण करेंगे। 19 अगस्त को जो राहु काल का समय है, वह समय सुबह 8:47 से सुबह 10:24 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या पूजन आदि का कार्य नहीं करना चाहिए या लाभप्रद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। इस दिन योग जो कि बड़ा ही अच्छा योग बन रहा है, इस दिन सिद्धि योग होगा रात्रि 9:19 तक, उसके बाद साध्य योग होगा। नक्षत्र जो कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 1:47 तक होगा, उसके बाद हस्त नक्षत्र। जो भी व्रत को धारण करने वाले हैं, व्रत के दौरान स्त्रियों को चाहिए कि इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध बिल्कुल भी ना करें, मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव ना लाएं और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान शिव माता पार्वती गौरी गणेश का पूजन करें, कथा श्रवण करें। इस दिन भगवान शिव के स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करें। इस दिन शनिवार का दिन है तो शनिवार के दिन अगर विशेष प्रकार से पीपल वृक्ष की भी पूजा करें तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। पीपल के वृक्ष में सभी देवताओं का वास माना गया है। पीपल वृक्ष की पूजा करने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस दिन व्रत को धारण करने के साथ साथ पीपल वृक्ष का पूजन करें। पीपल के वृक्ष में गुड़ तथा तिल मिश्रित जल डालें। इससे विशेष प्रकार से भगवान शिव, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी, जिससे कि कुंडली में शनि की दशा चाहे ढैया हो या 7.5 हो, उसका प्रभाव कम होता है और भगवान शिव जी और भगवान विष्णु अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद। भगवान शिव माता पार्वती का कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर सदैव बना रहे। सभी सदा स्वस्थ और सदा खुशहाल रहें।